कलकत्ता के गलियारों में इसे एटम बम कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर ये एटम बम फूटा तो नीरा राडिया टेप कांड को भी पीछे छोड़ देगा। कितने ताकतवर सफेद पोश सांस रोक कर बैठे, ताकतवर नेता, शक्तिशाली नौकर सा, कलम के सो कॉल्ड पुजारी, सब बस एक ही दुआ कर रहे हैं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अमरावती ग्रुप के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। गत दिनों लखनऊ में अमरावती बिल्डर्स के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। रियल एस्टेट कारोबारी रवि पांडे, रजनीकांत मिश्रा, रोहित सहाय, आकाश अग्रवाल और किशोरी लाल गोयल के 50 से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। सूत्र बताते हैं इस छापेमारी में आने वाले दिनों में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अमरावती ग्रुप के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं का पैसा लगा होने की आशंका जताई जा रही है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से ग्रुप के प्रोजेक्ट्स का विस्तार हुआ है उससे कई सवाल खड़े होते हैं। ग्रुप ने बड़े पैमाने पर लखनऊ में प्रोजेक्ट्स के लिए जमीनों की खरीद की है। इतने बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी ये बड़ा सवाल है। जिन रियल एस्टेट कारोबारियों के यहाँ छापेमारी चल रही है उनके ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं से भी अच्छे संबंध है। जांच में अगर कुछ पुख्ता प्रमाण मिलते हैं तो आयकर विभाग संबंधित ब्यूरोक्रेट्स पर भी शिकंजा कस सकता है। सूत्रों का दावा है कि रेड में अभी कई और खुलासे होने बाकी हैं। इन कंपनियों में यूपी के कुछ ब्यूरोक्रेट्स के भी पैसे लगे होने की बात सामने आई। सबूत पुख्ता होने के बाद इन ब्यूरोक्रेट्स को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। आईटी को बीते कुछ सालों में कुछ कंपनी के कारोबार में आए एकाएक उछाल के सबूत मिले जिनकी पड़ताल जारी है।